हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज हम लेकर आए लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम पर प्रॉब्लम्स। तो जैसे इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस 2 इन माइनस 2,3। ये आपको इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताई रखी है थ्योरम की लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम में कंटीन्यूअस निकालते हैं, डिफरेंशिएबल निकालते हैं, देन आप थर्ड जो पॉइंट होगा यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैस सी, ये आप निकालेंगे। तो पहले देखिए कैसे निकालेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं। तो केवल हम थर्ड निकालेंगे यानी कि एफ बी निकालने का मतलब क्या है, माइनस 2a है और 3 क्या है आपका, b है। तो आप इस पे निकालेंगे यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस के 2, तो ये आपका कितना हुआ 27 माइनस 9 माइनस 2 यानी कि 27 माइनस 11 6 और 1 यानी कि 16 आपका ये आ गया। अब बी ए बी एफ ए बी निकाल लेते हैं। एफ ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 यानी कि आपका कितना हो गया माइनस के 8 प्लस के 6 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 8 प्लस के 4 यानी कि आंसर आया माइनस के 4। अब हम क्या निकालते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। पहले इसको भी निकाल के रख लेते हैं। एफ डैश एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया आपका 3x² माइनस के 3। एफ डैश सी की वैल्यू हो गई 3c² माइनस के 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। एफ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन बी कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3c² माइनस के 3। और सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 20 5 3c² माइनस 3 यानी कितना हुआ 4 इज इक्वल टू 3c² माइनस 3। 3c² इज इक्वल टू 7 एंड c² इक्वल टू 7/3। आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.5 के समथिंग आएगा। अगर c का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.5 के समथिंग आएगा यानी कि ये देखिए माइनस 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम आपकी वेरीफाई हुई। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स इन -1,3। तो देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। कैसे ही निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं एफ बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3 तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन 3। और इसी तरीके से एफ ए की वैल्यू कितनी है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन -1। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, जब हम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स की वैल्यू लेते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2 ये सीरीज की फॉर्म में होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2। तो हम इसी को रखेंगे जब हम एच 3 निकाल ले हैं यानी कि ई की पावर 3 प्लस ई की पावर -3 अपॉन 2। सेम जब -1 के लिए निकाल रहे हैं ई की पावर -1 प्लस ई की पावर 1/2। अब इसी को हम रखेंगे यहां पर एफ डैश सी और निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है बट यहां पर माइनस नहीं होता, यहां पर कॉस एक्स का प्लस में साइन होता है। तो अब हम रखेंगे यहां पर वैल्यू, ये हमने रखा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन 3 माइनस कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन -1। -1 प्लस 1 हो जाता है, माइनस प्लस इसके अंदर जो भी ब्रैकेट में आता है यानी कि माइनस थीटा प्लस थीटा बन जाता है, ये आपका हो गया 3 माइनस -1। जब हाइपरबोलिक में इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं
यानी कि e की पावर 3 e की पावर माइनस 3 इसकी वैल्यू आती है 10.068 और इसकी वैल्यू आती है 1.5431। यह हम टेबल से निकाल सकते हैं पूरी हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू 10.068 माइनस 1.431 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8.5249 अपॉन 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 2.1312। और हम किसके बराबर लेकर चल रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे यानी कि सी, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1.5 अप्रोक्सीमेट। ये सब हमें टेबल से देखना है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको इसकी वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, आपको टेबल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 1.5। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेकर चलते हैं जिसमें आपका कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए वो क्वेश्चन जो है हमने एक लिया है मॉड एक्स और इंटरवल लिया है हमने -1, 1। तो देखिए क्लोज तो होगा ये, सॉरी कंटिन्यूस तो होगा, क्यों? क्योंकि जब हम इसमें निकालेंगे -1 और 1 पर निकालेंगे इस मॉडलेस एक्स का, तो एक बार प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस कंसिडर करेंगे। और जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ आरएचएस और एलएचएस लेकर, आप दोनों आरएचएल और एलएचएल की हेल्प से कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। बट डिफरेंशियबिलिटी क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि देखिए -1, 1 है, ओपन इंटरवल होगा, इसके बीच में आप कोई से भी अगर वैल्यू लोगे तब आपका x की वैल्यू एक जीरो, सपोज करो x की वैल्यू एक जीरो हमने कंसीडर करी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में होती है, तो जैसे हम यहां पर रखेंगे x की वैल्यू तो आंसर कितना जीरो आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि x इक्वल टू जीरो पर ओपन इंटरवल -1, 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें होल्ड नहीं होगी। यह आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर होल्ड नहीं होगी, डज नॉट होल्ड। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब मैं वो क्वेश्चन कराती हूं जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का बस आप तरीका याद रखोगे और पहचान में बता देती हूँ क्वेश्चन की क्या है। आपका क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना, केवल शो लिखा होगा, शो करना है, शो दैट। तो कैसे लिखा होगा, एक पार्ट ऐसे लिखा होगा, फिर उसके बाद लेस देन का साइन लगा होगा, फिर एक पार्ट लिखा होगा, यानी कि तीन पार्ट में ये क्वेश्चन होगा, ये इधर और थर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और केवल शो करने के लिए लिखा होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो वेरीफाई करने वाला और एक शो करने वाला। तो ये जो शो करने वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, आपको बस पूरा मेथड याद रखना है कि किस तरीके से करना है। तो बता देती हूँ मेथड में, आपको पहले फंक्शन मानना है, फंक्शन कैसे मानना है, इन दो यानी कि दो लेफ्ट साइड वालों को लेकर फंक्शन मानना है, फिर दो राइट साइड वालों को लेकर फंक्शन मानना है। स्टेप बता देती हूँ क्या क्यों, कि पहले आप फंक्शन मानोगे, फिर उसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो डिफ्रेंशिएशन आया उसे एक्स पर पॉइंट पर रखकर देखोगे, आपका अगर वो ग्रेटर देन आता है यानी कि आपका वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, इसी तरीके से एफ जीरो भी इंक्रीजिंग होगा, फिर आप उसे एक फॉर्म में रख दोगे, इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी प्रूव करोगे, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर कंसीडर करके रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने बोला कि पहले लेफ्ट पार्ट लेकर चलेंगे, लेफ्ट पार्ट लेकर चलने का मतलब ये दोनों लेफ्ट पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग 1 + x - x, इसको पूरा खोल लेती हूँ या तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, -x² / 2 + x³³ = 3, 1 + x, ये आपका एक फंक्शन आया। अब पहले हम f जीरो पर रखकर देखते हैं, f जीरो, जीरो रखा आपने तो जीरो रखते हैं, log 1 + 0 - 0 - 0 + 0, तो कितना है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, फर्स्ट पॉइंट जीरो आ गया। जब आपका फंक्शन जीरो पर पुट किया यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log 1 + x का होता है 1/(1+x) माइनस, चाहे आप ब्रैकेट यूज करें, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, x का हो गया 1 + आएगा 2x/(2)
यानी कि केवल x बचेगा। और यहां पर हम इसका ये जो बचा हुआ है अलग से करेंगे, यानी कि कोसाइन रूल से करेंगे। हमने लिखा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ऐसे ही इसका हो गया 3x स्क्वायर माइनस, अब की बार एक्स क्यूब ऐसे ही इसका हो गया 1। तो यहां पर ये पूरा लिख लेते हैं, 1 बाई 3 अलग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 3x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका पूरा सोल्यूशन आया। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करने पर आपका कितना हो जाएगा। हम अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा ये नेगेटिव आता है कि ये पॉजिटिव आता है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लेती हूं। तो यहां बचा 1 प्लस एक्स का, एक खाली 1 प्लस एक्स बचा, माइनस के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा, प्लस ये एक्स है तो यहां भी क्या बचेगा, एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, साथ में 3 और ले लेते हैं, यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 होगा, यहां पर 3 होगा, और ये 1 प्लस एक्स इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, या 3x स्क्वायर प्लस 3x के क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब जब आप इसे पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, यानी कि आपका आंसर पूरा बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि आपका पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है। किस पर, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर। ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन एफ डैश एक्स इज ऑल्सो, सो एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हैंस। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है आप इसे ग्रेटर देन में लिख देंगे, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, जीरो से छोटी आई है। कैसे आई है, ऐसे आई है, इसलिए हमने लिखा एफ एक्स की वैल्यू आपकी f जीरो से बड़ी है। तो एफ एक्स आपका क्या था, देखिए लिखा कैसे इसे बता देती हूँ, एफ एक्स की वैल्यू एफ जीरो से बड़ी, क्योंकि यहां पर जीरो आया था, ये आपका पॉजिटिव आया था, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो लॉग 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर, इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स। ये देखिए मैंने इसको इसलिए ऐसे लिख दिया। अब हम दूसरा फंक्शन कंसिडर करेंगे, यानी कि ये वाला, इसे कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि जी एक्स में कंसिडर करेंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू आएगी वो होगी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के लॉग 1 प्लस एक्स, यानी कि देखिए राइट साइड से लिखेंगे, पहले हमने इसको पहले इसको लिखा था पहले, फिर यहां लिखा था, अब की बार इसको लिखेंगे पहले, यानी कि आपको राइट से स्टार्ट करना है, राइट वाली टर्म पहले लिखेंगे, लेफ्ट वाली टर्म बाद में लिखेंगे, ये माइनस। अब फिर से वही काम होगा, जी जीरो पर वैल्यू निकाल लेते हैं, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस लॉग 1 जीरो, यानी कि जीरो। अब जी डैश एक्स निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 2 यानी कि 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि x स्क्वायर माइनस के log 1 प्लस एक्स, ये आपका सोल्यूशन आ गया। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस वन, यानी कि यहां सॉल्व करके लिखते हैं वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब माइनस के वन, वन से वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, अपॉन में चली रहा है वन प्लस एक्स, यानी कि आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स। देखिए ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, तो हम फिर से वैसे लिखेंगे कि आपका जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि जी इंक्रीज हो रहा है किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर, जी इज इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन जी एक्स इज ग्रेटर देन जी जीरो, जी जीरो से बड़ा है एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो पर। फिर से वही लिखेंगे जी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस लॉग वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। फिर से वही सही से करके लिखेंगे लॉग वन प्लस एक्स, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। अब देखना यहां पर तो हमारा सोल्यूशन कितना आया, ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, तो दोनों को साथ मिलाकर लिख देते हैं, साथ मिलाकर हमारा ये प्रूव हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स थ्री थ्री वन प्लस एक्स लॉग वन प्लस एक्स, और ये वाला यानी कि लेस देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री। तो ये आपका वैल्यू शो हो गया यानी कि आपका आंसर है। आपको इसी तरीके सारे क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर से वही होंगे। पहले एफ एक्स मानेंगे इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, फिर से एफ जीरो रखेंगे, एफ जीरो रख लेते हैं इक्वल टू लॉग वन प्लस जीरो माइनस के जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, यानी कि लॉग वन की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, ये जीरो आ गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस के वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका वन प्लस एक्स ऐसे ही एक्स का हो गया वन माइनस वन प्लस एक्स का हो गया वन और एक्स ऐसे ही, और सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, वन आया वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल, यानी कि एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए जीरो पर जीरो आया और ये आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया पर फिर से वही लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है एफ जीरो से, और एफ एक्स की वैल्यू हम इस पर रख देंगे लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो यानी कि लॉग वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसे फर्न इक्वेशन मान लेंगे। फिर जी एक्स मानेंगे, जी एक्स कैसे मानेंगे एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स, तो यहां मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स। फिर से वही करते हैं जी जीरो पर वैल्यू रखते हैं यानी कि जीरो माइनस लॉग वन प्लस जीरो, यानी कि आंसर आया जीरो। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, वैल्यू वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, यानी कि फिर से पॉजिटिव आया वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन जी एक्स इज ग्रेटर देन जी जीरो। जी एक्स की वैल्यू कितनी थी एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन लॉग वन प्लस एक्स। आप दोनों इक्वेशन से कंसिडर करिए, फर्स्ट से
और सेकंड से, यानी कि ये जो वैल्यू है वो छोटी है इससे और ये छोटी है इससे, यानी कि हम लिख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था आप सीधे सीधे वही लिख दोगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इज लेस देन एक्स, ये आपका वेरीफाई हो गया। आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सब भेज सकते हैं। अगला जो टेस्ट होगा वो पी सीरीज टेस्ट पर प्रूफ होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत आई थी पी सीरीज टेस्ट की और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेरी में लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है और बच्चों को परेशानी आ रही है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही हैं बट बहुत सारे ऐसे होते हैं टॉपिक जो समझ में नहीं आते, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और मैं उनकी एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, क्योंकि यही वक्त है जब आपकी हेल्प होगी और आप एक दूसरे को शेयर करेंगे तो जो टॉपिक है नए नए निकल कर उनकी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच।